दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के कारण सुनारियां जेल प्रशासन खासा दुविधा में पड़ गया है। दुविधा की वजह है राम रहीम के अनुयायी, जिनसे निपटना जेल प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पहले राम रहीम के जन्मदिन पर अनुयायियों द्वारा भेजे गए ग्रीटिंग कार्ड के जेल में अंबार लग गए, तो अब राखी के लिफाफों की संख्या भी हजारों में है। वजन की बात की जाए तो जेल के सूत्रों के अनुसार राम रहीम का वजन 84 किलो है, वहीं उसके लिए आई चिट्ठियों का वजन 1 टन से भी ज्यादा है। समस्या की इस जड़ को जेल तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग को ऑटो बुक करना पड़ा। ऐसी चिट्ठियों का आना अभी भी रुका नहीं है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राखियों में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या चिप भी हो सकती है, जिसके जरिए राम रहीम बाहर से संपर्क में रह सकता है। दरअसल अब से ठीक 1 साल पहले 25 अगस्त 2017 को पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वी न्याय से दुष्कर्म के 2 मामलों में दोषी करार दिया था। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से उसे हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक के सुनारियां स्थित जिला जेल तक लाया गया था। इसके बाद जहां इस प्रकरण को 1 साल हो चला है, वहीं कथित और पर 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन भी मनाया जाता रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से यहां हजारों की तादाद में ग्रीटिंग कार्ड्स आए। यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा था कि रक्षाबंधन के चलते फिर से डाक विभाग और जेल प्रशासन दिक्कत आन खड़ी हुई। राम रहीम के लिए राखी के हजारों पैकेट डाकघर पहुंचे हैं। डाकघर के कर्मचारी के लिए राखी के पैकेट रिसीव करना, रिकॉर्ड दर्ज करना, छंटनी के बाद इसे डिस्पैच करना कठिन हो गया है। वहीं बोरे भरकर पहुंच रही राखियों की वजह से जेल प्रशासन का भी इससे बुरा हाल आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से हर सामान व पैकेट को खंगाला जा रहा है। राखी के पैकेट के जरिए जेल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न पहुंच पाए, इसके लिए उन्हें स्कैन किया जा रहा है। इन पैकेटों को स्कैन करना जेल प्रशासन का सिरदर्द बन गया है। सुनारिया उप डाकघर में तैनात डाकिये राजेश कुमार का कहना है कि ग्रीटिंग कार्ड व राखियां सुनारियां जेल तक पहुंचाने के लिए ऑटो के किराए के पैसे अपनी जेब से भर रहा है। उसे 10 साल हो गए, लेकिन एक ही व्यक्ति के इतने ग्रीटिंग कार्ड व राखियों आज तक नहीं बांटे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री व साधारण डाक से लाखों की संख्या में डेरा अनुयायियों ने पहले ग्रीटिंग कार्ड और अब राखियां भेजे हैं। सादे कागज से लेकर महंगे से महंगा ग्रीटिंग कार्ड व राखियां राम रहीम को भेजे गए हैं। इनमें लव यू पापा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, मिस यू पापा, तुम जल्दी बाहर आना संदेश हैं। दूसरी ओर साथ ही सुनारियां उप डाकघर के इंचार्ज जगदीश बुधवार की माने तो पिछले कई दिनों से डाक की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इसमें 90% डाक केवल राम रहीम के नाम की आ रही है। ग्रीटिंग कार्ड व राखियों के 15 से 15 किलो के पैकेट बनकर आ रहे हैं।